हम सब होली मिलन समारोह में आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगी आज की रात होली को समर्पित करते हैं और जितना चाहे एनर्जी से झूमेंगे नाचेंगे। और इसी के साथ कहना है हमारे माननीय मुखिया जी और जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतने मेहनत से इस स्टेज को सजाया है, हमें बुलाया है, आप लोगों से रूबरू करवाया है, तहे दिल से उनको धन्यवाद। और सभी को मैं यहीं से पैर छू के प्रणाम करती हूँ क्योंकि मैं सबके पास जा नहीं सकती। तो आइए, आज होली है, होली मिलन समारोह में हम लोग आए हुए हैं, तो एक बार मेरे साथ मैं आपको विश करूंगी होली और आप मुझे विश करेंगे। चलिए देखते हैं कौन किनकी आवाज को सुनते हैं। हैप्पी होली आप सबको मेरी तरफ से, हैप्पी होली। अब आप लोग मुझे विश करेंगे हैप्पी होली, एक सुर पे आपको ये बोलना है, सोम्या जी आपको होली की बहुत बहुत मुबारक। चलिए मुझे विश कीजिए आप। भैया कैमरा उधर, लाइट जाएगा क्या? क्या बात है, उधर भी है, मैं तो देख ही नहीं पा रही थी। अरे बाप रे बाप, ये तो सब कुछ उधर चल रहा है। अच्छा फोन का फ्लैश ऑन करेंगे, सबने अपने फोन का फ्लैश ऑन करेंगे, मुझे देखना है कहाँ तक है आप लोग। ऑन करेंगे, सभी के ऑन होने चाहिए। फोन तो सबके पास होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज जो बच्चे दूध पीते हैं ना, उनके पास भी फोन होता है। हाँ छैला, क्या बात है, उनके पदवी पे आपने मुझे बैठा दिया, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो आइए मैं आपको कुछ होली के गीत को सुनाती हूँ। होली का ही त्योहार है,
कीजिए, डांस कीजिए जितना हो सके अपनी एनर्जी के साथ, लेकिन एंजॉय कीजिए। तो कहना चाहेंगे होली आई होली आई, मेरे साथ बोलिए आप लोग भी, होली आई होली आई, बोलिए होली आई होली आई, मजा आएगा, प्लीज एंजॉय कीजिए। अनगिनत रंग संग में लाई, होली आई होली आई, अनगिनत रंग संग में लाई, घर में बनते हैं पकवान और मिठाई हो मिठाई, एक बार सारे लोग बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। घर में बनते हैं पकवान और मिठाई, और मेरी तरफ से हो आप तमाम यहाँ पे आए हुए भाई बंधु, जितने भी हमारे ग्रामीण वासी हैं, उन सबको होली की बहुत बहुत बधाई। चलिए एक और प्यार भरा गीत सुनते हैं, एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत सी शाम को। और अभी जो मैं गाना गाऊंगी हम, और आपका नाम क्या है? सचित राजा। सचित राज, राज राजा की बात है जी, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे पता नहीं था कि आप इतने अच्छे गाते हैं। तो आइए, मुखिया जी का एक फरमाइश है, बिना बोले मैं सुना दूंगी। और जी जरूर जरूर,
निहारतानी चोली निहारतानी चोली ए मुखिया जी ए मुखिया जी कैसे 1 2 1 2 3 ऐसे ऐसे तनी बैठ के तरह प्यार से बोला मुखिया जी के नब्बे कर देखो कैसे उसके चटपटा कि ए मुखिया जी ए मुखिया जी ए मुखिया जी ए मुखिया जी मुखिया जी मन हो से बोली नहीं करो भाई हाल भैले बानी कही चल के दी रहे नौजवानी कहे लगे तना से हाल भैले बानी कही चल के दी रहे नौजवानी रहुए के देख के ईमान चल डोली ईमान चल डोली ईमान चल डोली अरे बोली बोली ये जहाज बुकी काज है कि काज ए मुखिया जी ए मुखिया जी और हमारे सुमन जी की तरफ से ही दूसरा 1 रुपए का आशीर्वाद अरे मुखिया जी मन हो कबूल नहीं करो भाई पर बस वाला बोल मुखिया जी मन हो कबूल नहीं करो भाई पर बस वाला बोल हम तारोरी मन ले रहली पियरी माटी से कि हम तारोरी मन ले रहली पियरी माटी से ए असैया मोरा को कि हम तारोरी मन ले रहली पियरी माटी से सैया मोरा को काटी से छती पर बानी रे राई फल भी रंबले इन्हें उन्हें कह के हम के मुआ बले छती पर बानी रे राई फल भी रंबले जितने मुझे कह के इनके डेरा बले कि देखिए ये तो हम के ईमान चला डोली ईमान चला डोली ईमान चला डोली ए जहाज ए राजा तहर मुखी आइतन देख के कि देखिए के तो हके ईमान चला डोली
जाल डोली रसिया रंग बरसे। क्या बात है, जोर से तालियों बजाइए। बदली इसी के साथ आप तरफ से चार बज गए। रगबर से भीगे चुनर वाली रगबर से, और 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 रगबर सोने की थाली में सोना परोसा, सोने की थाली में सोना परोसा, और क्या है, अरे खाए गोदी का यार कलम कर से रंग कर से, रंग कर से भीगे चुनर वाली रंग कर से, अरे लंगाई लाची का बीरा लगा, अरे लंगाई लाची का भाई, अरे लंगाई लाची का बीरा लगाया, और क्या, अरे चाबे गोदी का चापोरी का यार कलम कर से रंग कर से, रंग कर से भीगे चुनर वाली रंग कर से, चमेली का तेज बिछाया, अरे बेला चमेली का भाई, अरे बेला चमेली का तेज बिछाया, अरे बेला चमेली का तेज बिछाया, अरे सुबह गोरी का, सुबह गोरी का यार कलम कर से रंग कर से, रंग कर से भीगे चुनर वाली रंग कर से, रंग कर से भीगे चुनर वाली रंग कर से, रंग कर से भीगे चुनर वाली रंग कर से, रंग
पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन आप नहीं जलाना चाहते हैं। अभी आज के दिन इन लोगों को चाहते हैं कि ये लोग एंजॉय करें, मस्ती करें इस खूबसूरत सी शाम में, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और इन सब का एक बराबर योगदान है। अपने आप के लिए जोरदार तालियां सारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी हमारे ग्रामीण वासी, हमारे माननीय मुखिया जी है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी है, सबका बहुत बड़ा योगदान है और आप सबका बहुत बहुत आभार कि हम तमाम कलाकार को आप सबने ये मौका दिया आप सबके बीच आने का और इस खूबसूरत सी शाम में हिस्सा लेने का। मैं चाहूंगी हमारे बीच सबसे दरिया दिल, और मैं सर आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, इजाजत हो तो अर्ज कीजिए। अर्ज है, कहते सर चलिए मैं मुखिया जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि इंसान को अभिमानी नहीं स्वाभिमानी होनी चाहिए। वावा तो कीजिए। इंसान को अभिमानी नहीं स्वाभिमानी होनी चाहिए, दोस्त रखो या दुश्मन लेकिन ज्ञानी होनी चाहिए। रंग कंप्लीट होने दीजिए। रंग रूप वेशभूषा भले कैसा भी हो लेकिन मौज हमारे मुखिया जी जैसे खानदानी होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुखिया जी के लिए। क्या बात है, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है और आपकी मुस्कुराहट के लिए कहना चाहूंगी कि आपकी मुस्कुराहट ने सबके होश उड़ा दिए। आपकी मुस्कुराहट ने सबके होश उड़ा दिए। सारे लोग होश में आने वाले ही थे कि आप फिर से मुस्कुरा दिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुखिया जी के लिए। और हमारे बीच मैं चाहूंगी सर आप आइए अपनी दुकान मेज में और आपकी इस पावन धरती पे आई है अपनी सुरीली आवाज से आप सबके इस खूबसूरत सी होली मिलन समारोह को ब्यूटीफुल वंडरफुल बनाने। तो हो जाइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सौम्या सिंह की सुरीली आवाज के लिए। और इतने अच्छे ऑडियंस के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल, कि खूबसूरत सा रिश्ता किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा रिश्ता किस्सा बन जाता है, न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। बहुत कम लोग मिलते हैं जीवन में ऐसे, बहुत कम लोग मिलते हैं जीवन में ऐसे जिनसे ना कभी बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही रिश्ता आप तमाम ऑडियंस से हमारे कलाकार का आज बन चुका है इस खूबसूरत सी होली मिलन समारोह में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और प्रस्तुति हमारे बीच सुनिए आवाज। बिल्कुल जी, ये तो लव मैरिज पे ही अटके हैं। आपको लव मैरिज करनी है? नहीं करनी तो सुनने की क्यों जिद मचा के रखे हुए हैं? करेंगे तभी हम सुनाएंगे। किनसे कर रहे हैं? भाभी की बहन से। भाभी की बहन से हाँ। और आइए सुनाएंगे बिल्कुल, हम वो गाना हम सुना के ही जाएंगे आपको लव मैरिज, क्योंकि वो हमारा बहुत हिट गाना रहा है हमारे एल्बम का, तो मैं वो सुनाऊंगी। इससे पहले आइए एक और लोकगीत। और एक पति पत्नी की जब बात होती है तो पत्नी अपने पति से क्या क्या डिमांड करती है ये तो शादीशुदा मर्द बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या क्या खर्चा करवाती है, है ना? हाँ हम भी आते हैं। Hit it!
और जब ननद भाभी की जब लड़ाई होती है फाइट तो होती ही रहती है। एक घर में जब भाभी हो ननद हो तो थोड़ा बहुत कहावती हो जाती है कि भैया जब शादी हुए हैं तो भैया अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करने लगे हैं, हमसे नहीं करते हैं। तो भाभी की भी फाइट रहती है कभी कभी ननद से, जब और वो भी ननद तब जब ननद की शादी हो जाती है और जब ज्यादा मायके आने लगती है तो उन्हें ये रास नहीं आता है तो अपने पति से वो शिकायत करती है और शिकायत में ये कहती है क्या बोल रहे, फिर से बोलिए हम सुने और कोई नहीं सुना, सबको सुनाइए क्या बोल रहे थे। बउआ आपकी बात मेरे समझ से बाहर की है। आहा के बहन के बोली हमरा ने सहाया इंडिया की पैदाइश हो, माँ की सेवा करना जिसकी ख्वाहिश हो, ऐसी इनकी वाइफ हो तो क्या लाइफ हो। एक बार हमारे अरे इनके लिए नहीं कम से कम अपने लिए तो ताली बजा लो, अपने आप के लिए ताली बजाना है। कन्या तो आप ही को ना मिलेगी, क्या बात है। जितना बात बोली है अगर उसमें सब कुछ मिल जाता तो फायदा किसको है, इनको की आपको। तब आपको ये गाना गाने नहीं पड़ेगा कि फायदा होगा। हम तो शादी करके गए वो लड़का से, आपको भी लड़का से करना है, करिएगा लड़का से करवा देंगे हम। इन लोगों पे होली का रंग का नशा चढ़ा है, ये पूरी तरह से मदहोश हो गए, अपने आप को भूल गए। चलिए हमें एक हमारे बीच सोमिया जी एक और प्यारी सी गीत प्रस्तुत करेंगी, आप लोग ऐसे एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत शाम में। जी जी बाप रे, मुझे ऐसा लगता है कि कितना टाइम हुआ अभी देखिए तो 11:30 हो रहा है अभी हो रहा है। ये लोग मुझे 11:30 बजे ही भगा रहे हैं भोला बाबा का कचहरिया। चलिए चलिए हम सब मिलके चलते हैं, आपकी कन्या के लिए प्रे करेंगे कि आपको अच्छी बीवी मिल जाए, ठीक है। आइए, बहुत ही डिमांड कर रहे हैं इस कांवड़िया के कांवड़िया सॉन्ग को, लव मैरिज को। तो मैंने और छला जी ने इस गाने को गाया था 2019 में और ये सुपर दुपर हिट रहा था हमारा उस साल का सावन का गीत। तो मैं जहाँ भी जाती जैसे इन्होंने डिमांड कर रखा है कि वो सुनाइए ही। कल भी मैं प्रोग्राम कर रही थी, जब तक वो नहीं सुने छोड़े नहीं, मतलब सुना ही दीजिए। तो चलिए आइए, सुन भी लीजिए ना एक बार, सुनिए मतलब भला कीजिएगा।
कांवरिया के भेष धर के भागबे भोरहरिया में, कांवरिया के भेष धर के भागबे भोरहरिया में, लाभ मायरज करबे बाबा बोझ धरी कचहरिया में, लाभ मायरज करबे बाबा बोझ धरी कचहरिया में, कांवरिया अक्सर जो प्यार कहाँ होता है पता है? भोरहरिया में होता है। पक्का ही लौटे हुए पक्का 3 बजे भोरहरिया में जाते हैं प्यार करने, इसीलिए इनको पता है 3 बजे भोरहरिया में। और इसी में मेरा और गाना आया था, जब लव मैरिज की बात हो ही गई तो एक गाना हमारा और था जो बहुत हिट हुआ था। सावन में जल चढ़ेबे सुंदर बर मिलतंगे, बोल बोल। सावन में जल चढ़ेबे सुंदर कनिया मिलतंगे। अच्छा ये एक बात बताइए, किनकी किनकी शादी नहीं हुई है? उन्हें सब कुमारे बैठल छै, सबकी हो गई है, इमहर सब कुमारे बैठल छै। आगे जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, और बर्बाद हो रहे हैं लड़की के चक्कर में, और कहते हैं मोदी सरकार के वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सावन में जल चढ़ेबे सुंदर कनिया मिलतौरे, सावन में जल चढ़ेबे सुंदर कनिया मिलतौरे, बाबा भोला के कृपा से अंगना में फूल खिलतौरे, भोला से कृपा से अंगना में फूल खिलतौरे, सावन में जल चढ़ेबे सुंदर कनिया मिलतौरे, सावन में जल चढ़ेबे सुंदर कनिया मिलतौरे, बाबा भोला के फूल खिलतौरे, बाबा भोला के कृपा से नदिया में फूल खिलतौरे।
सबसे पहले सोनिया जी ढोलकिया के अंगना में फूल खिल तौरे इतना देर तक ठोकते रहता ठोकते रहता फगुन में मासे
पहना के हाथ ला बेटा, के हाथ ला धोती पहना के हाथ ला बेटा। कौन बाप के बेटा है रे हाथ हर काम फिर हाय रे हाय रे हाय रे आज वीर सरकार नाम हमर सोनू सोनू कहाँ कहे भोले बाबा कहाँ के मैया काली मेहर वाली सेरा वाली जय वाली जय जब कहे भोले बाबा कलकत्ता के काली जब कहे भोले बाबा कलकत्ता है काली मेहर कहे सेरा वाली जय वाली जय हाय 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 सारा